नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फतेहपुर जनपद के जिला अस्पताल में आज उस समय हंगामा मच गया जब अस्पताल पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी रजा के सामने दो महिलाओं ने ऑपरेशन के नाम पर चिकित्सक व उनके असिस्टेंट पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी रजा ने दोनों ही महिलाओं को लेकर जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर प्रभाकर के ऑफिस पहुँचे, जहाँ दोनों ही महिलाओं ने पूरी बात बताई। में ऑफिस का काम कर रहे थे, उतने में दो महिलाएं आई, एक सुभद्रा करके ढकौली में रहने वाली है, सहोदरा, और एक मुमताज। वो लोग आए, वो कहने लगे नगर यहाँ पे हॉस्पिटल में पैसे मांगे जा रहे हैं, ये वो हाँ, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पैसे क्यों मांगे जाएंगे। उन्होंने कहा ऑपरेशन के लिए हमको बुलाया था, 8,000 रुपये मांगा गया था। उस बदला ने कहा कि 7,500 मांगा गया था, हम लोगों ने पैसे नहीं दिए। तो लगातार तारीख पे तारीख मिल रही, उस पर हम लोग आए और सेवे साहब से मिले, और उसके बाद वो रवि आनंद नाम का कोई डॉक्टर है यहाँ पे, और प्रमोद करके जो रवि आनंद की दलाली कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये सर्जन है, रवि आनंद के बारे में तो बहुत दफे सुना जा चुका है, और इनका कोई नर्सिंग होम भी चल रहा है अवंती बाई में प्राइवेट, तो वो कोशिश करते हैं उस नर्सिंग होम तक ले जाए, सरकारी हॉस्पिटल में न करना पड़े ऑपरेशन। इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि सरकार का नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होना चाहिए। यहाँ तो अस्पताल नहीं मुक्त हो पा रहा, प्रदेश क्या मुक्त होगा भ्रष्टाचार से। आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो दोषी है, क्योंकि पीड़िता खुद बयान दे रही है, मीडिया भाइयों के संज्ञान में होगा, आप लोगों के कैमरों में भी होगा कि उन लोगों ने आरोप लगाया, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी जो भी बनती है। प्रशासन पे अक्सर आता है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी, इसके बाद अभी दो महिलाएं आई थी जिन्होंने ऑपरेशन के नाम पर 8,000-9,000 रुपए वसूली की बात कही, जिसको लेकर यहाँ पे अभी चेयरमैन प्रतिनिधि जो है नगर पालिका वो भी बैठे हुए हैं और काफी देर से इस बात को कह भी रहे हैं। इन आरोपियों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, किस तरह कार्रवाई करेंगे आप? महिलाओं के नाम ले रहे हैं, अभी आपके सामने बोल रहे हैं। दर्ज किया जाएगा सर इनके ऊपर, जो भी होगी कार्रवाई बहुत कड़ी होगी। मैंने नहीं कल FIR कराना होगा, अभी आपने कहा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो बड़ा भ्रष्टाचार है। सर ऐसा देखा जाता है प्रत्येक डॉक्टर के पास एक असिस्टेंट रखा हुआ है, मतलब अगेंस्ट उसके खिलाफ है, अननोन के खिलाफ FIR दर्ज है, अगर नोन हो जाता है तो बाई नेम। लेकिन आज तो प्रमोद का नाम खुलकर सामने आ रहा है, प्रमोद डॉक्टर कैमरे भी लगे हुए हैं सर, उसके खिलाफ आप कल क्या कार्रवाई करेंगे? जो कार्रवाई करेंगे वो मीडिया सामने रहेगी, क्या कार्रवाई करेंगे आप? अपने स्तर से क्या कार्रवाई करेंगे आप? उसके ट्रांसफर के लिए जिला अस्पताल से बाहर दोनों के हम चाह रहे हैं ट्रांसफर। ये तो सर कार्रवाई नहीं हुई ना, वो तो कहीं और जाके नौकरी करेंगे, फिर वहाँ भ्रष्टाचार पे आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार पे आप क्या करेंगे? नहीं तो इसमें तो FIR का कालम बनता है, FIR होता है ना तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऑपरेशन के नाम पे पैसे ले रहे हैं। विवेचना का काम तो पुलिस का है, लेकिन आपके संज्ञान में है तो आपको तो इलाज करानी चाहिए। पीड़िता इतने मीडिया के इतने जिम्मेदार लोगों के सामने एक बात कह रही है, वो औरतें दो दो कह रही हैं, तो ये तो आप कह रहे संज्ञान में आएगा, तो FIR भी अज्ञात है, वो तो आपके सामने अज्ञात FIR दर्ज है, वो तो आपके सामने अब तो कह रहे हैं। वो तो डॉक्टर का नाम बता रही है, तो क्या डॉक्टर को बचाने के लिए बाई नेम करिए ना अब, बाई नेम सर, क्या अज्ञात में डॉक्टर को बचाने के लिए वैसे किया जा रहा है क्या FIR? फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।